नमस्कार, मैं हूँ आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। 10 डिसमिल जमीन जी का जंजाल बन गया। यह जमीन हजारीबाग के पद्मा के रोमी बंगला में है। इस जमीन पर दावेदारी को लेकर आज जमकर बवाल हुआ। पुलिस और गांव वाले आमने सामने हो गए। 2 घंटे से ज्यादा चले इस बवाल में खूब पत्थरबाजी हुई। हालत इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को आंसू गैस गोले तक दागने पड़े। इस झड़प में कई जवान और ग्रामीणों को चोट लगी है। जो बातें सामने आई उनके अनुसार BSF जवान प्रकाश शर्मा ने जमीन पर दावेदारी ठोकी है, वही उन्हें बाउंड्री करने से रोका जा रहा था। जवान प्रकाश ने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से की। मेरी शिकायत पर पुलिस और प्रशासन के लोग विवादित जमीन पर पहुंचे थे, जिसके बाद बवाल हो गया। घटना की फैली खबर के बाद बरही SDM पूनम कुजूर, SDPO नाजिर अख्तर और CEO मोहम्मद मोजाहिद अंसारी सहित कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया। राजधानी रांची में दिन दहाड़े एक शख्स को लूट लिया गया। बाइक सवार 2 अपराधियों ने सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके मेन रोड स्थित अंजुमन प्लाजा के पास वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने मोहम्मद महमूद से 3.5 लाख रुपए लूटे और भाग निकले। भागने के क्रम में उनका बाइक का बैलेंस बिगड़ा और दोनों बाइक सवार बदमाश गिर गए। इसके बाद बाइक को वहीं छोड़ दोनों फरार हो गए। पीड़ित मोहम्मद महमूद ने लोअर बाजार थाना में मामला दर्ज कराया है। दर्ज शिकायत में महमूद ने पुलिस को बताया कि वे बीते बुधवार को HDFC बैंक के सजना चौक ब्रांच से 3.5 लाख रुपए निकाल कर अपनी बाइक से उस पैसे को बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान 2 अपराधियों ने उनसे पैसों भरा बैग लूट लिया और भाग गए। पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल अपराधियों की धर पकड़ में जुटी है। CM हेमंत सोरेन से दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान ने मुलाकात की। यह मुलाकात रांची के कांकेर रोड के मुख्यमंत्री आवास में हुई। इस मुलाकात का मकसद केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करना है। केजरीवाल और भगवंत मान बीते गुरुवार को ही रांची पहुंचे थे। उनके साथ अन्य सहयोगी भी रांची आए थे। आज दिन के करीब 12 बजे CM हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात हुई। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ CM हेमंत सोरेन से समर्थन मांगा। इससे पहले वे चेन्नई जाकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर समर्थन मांगा था। केजरीवाल और भगवंत मान अपने सहयोगियों के साथ आज ही वापस लौट गए। रांची सेंट्रल जेल में बंद PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप को NIA ने फिर से 4 दिनों की रिमांड पर लिया है। NIA ने दिनेश गोप को दोबारा रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। उसे आगामी 5 तारीख को कोर्ट में पेश होना है। यहां याद दिला दे कि सुप्रीमो दिनेश गोप को बीते 21 मई को नेपाल से धरकर रांची लाया गया था। रिमांड में दिनेश ने कई राज उगले हैं। उसकी निशानदेही पर अब तक कई गोला बारूद बरामद किए गए हैं। वहीं जिस जिप्सी में वह हथियारबंद दस्ते के साथ घुमा करता था, उस जिप्सी को भी खुटी पुलिस ने जमीन खोद कर बाहर निकाल लिया। जिप्सी को करीब 8 साल पहले जमीन में गड्ढा खोद कर गाड़ दिया गया था। शादी समारोह से लौट रहा युवक अपने घर नहीं पहुंच पाया। बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक कोयला लदे गाड़ी ने उसे पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर ही उसकी जान चली गई। घटना चौपारण चतरा रोड पर आज भोरे भोर की है। एक्सीडेंट की जोरदार आवाज सुन आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना पुलिस को दी गई। स्पॉट पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आधार कार्ड से युवक की पहचान की गई। उसका नाम संदीप कुमार है और वह देवचंदा बरही का रहने वाला है। PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप के पकड़े जाने के बाद संगठन का खूंटा डगमगाने लगा है। संगठन को एक बार फिर से जोरदार झटका खुटी पुलिस ने दिया है। पुलिस ने PLFI के 4 हार्डकोर उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एरिया कमांडर प्रशांत कुमार उर्फ डब्बू गोप भी शामिल है। 3 अन्य के नाम नीतीश गोप, मिथिलेश गोप उर्फ मिथुन एवं वाहन गोप उर्फ नंद कुमार महतो बताए गए। इनके पास से उम्दा किस्म का 1 पिस्टल, 1 पिस्तौल, 13 जिंदा गोलियां, 1 ऑल्टो कार, 1 टेम्पो, मोबाइल और संगठन के नाम के पर्चे मिले हैं। इस बात का खुलासा आज खूंटी पुलिस कप्तान अमन कुमार ने किया। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि करीब 2 माह पहले ही प्रशांत कुमार उर्फ डब्बू गोप को एरिया कमांडर की जिम्मेदारी दी गई थी। डब्बू गोप को संगठन के नाम का आतंक फैलाने और लेवी वसूलने का टास्क दिया गया था। डब्बू गोप ने आतंक मचाना शुरू किया और बालू तस्कर की JCB जला दी। इस बीच पुलिस कप्तान अमन कुमार ने एक स्पेशल टीम बनाई। गठित टीम ने खूंटी के जरियागढ़ के रेगड़े जंगल में घेराबंदी कर 4 उग्रवादियों को धर दबोचा। एक स्कॉर्पियो और बाइक में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक स्कॉर्पियो में जा घुसी। भिड़ंत होते ही स्कॉर्पियो धधक उठी। बाइक सवार 3 युवक जिंदा जलने लगे। मौके पर ही 2 युवकों सत्यम और शिवम की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। वही बेधड़क झुलसे युवक पंकज को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना में स्कॉर्पियो सवार बार बार बच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह हादसा UP के बहराइच के रुपए डीहा मार्ग पर हाडा बसहरी गाँव के पास हुआ। ऐसे
दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।